हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी फायर पर यार। तो और भाई लोग आज और प्लीज़ यार, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं RHIDRABIPARI, और आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है रोहित रवि परियार, और आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट हो तो। प्लीज़ यार भाई लोग, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम बात करते हैं यार ये CDCs की, कि ये पनामा CDC, लाइब्रेरियन CDCs क्या होती है। क्योंकि एक बंदे का क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज आया था कि यार भाई पनामा CDC पे क्या, मैं पनामा CDC वाला हूँ तो क्या पनामा CDC की आजकल वैल्यू क्या है, कैसा क्या है। तो हल्का मैं पनामा CDC के बारे में आपको बता दूं यार, पनामा CDC हो, पनामा COC हो, आज की डेट में यार पनामा CDC से आप जहाज़ भी चढ़ सकते हैं। इंडियन CDC मेन होती है, जो जहाज़ पे चढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। इंडियन CDC मेन है। पनामा एक शिप रजिस्ट्री होती है यार, जिस पे जहाज़ रजिस्टर होते हैं। फ्लैग लगता है पनामा का जहाज़ पे। ज़्यादातर पनामा का इतना हल्ला इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर 75 से 80% जो शिप रजिस्ट्री हैं वो पनामा फ्लैग पे हैं। तो इसीलिए पनामा CDC का हल्ला हो जाता है मार्केट में, हो क्योंकि ज़्यादातर शिप पे जो फ्लैग लगता है, सिप रजिस्ट्री होती है, वो पनामा की होती है, पनामा ही फ्लैग लगता है। तो इसीलिए ये सब हल्ला हो जाता है मार्केट में कि एजेंट इतना रुपया ले लेते हैं पनामा CDC का, ये वो फालतू का पनामा CDC पे सेल करा दूंगा ये, भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, बहुत कम। और मैं दूसरी बात बताऊँ, पनामा CDC का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 22-23 हज़ार रुपये है। बंदों से 1.5-2 लाख रुपये ले लेते हैं एजेंट पनामा CDC का। 23 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैठ जाएगी, 22-23 हज़ार रुपये तक है पनामा CDC। और मैं आपको बताऊँ कि पनामा CDC जो भी होती है, वो जिस कंपनी से आप जा रहे हैं वो कंपनी आपको पनामा CDC बना के देती है। तो ये कोई एजेंट वेजेंट वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर आप पनामा फ्लैगशिप पे हैं, जिस शिप पे भी यहाँ पनामा है, मार्शल है, कोई भी है, लाइब्रेरियन है, वो सारी CDCs जो भी होती हैं ये सब आपको आपकी कंपनी बना के देती है। कोई एजेंट फेजेंट वाला इसमें कोई सीन ही नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू किसी जहाज पे चढ़ लें और उस पर पनामा फ्लैग है तो कंपनी आपको पनामा CDC बना के देगी, क्योंकि वो शिप रजिस्ट्री है। तो इसलिए पनामा CDC की थोड़ा ज़रूरत हो जाती है जहाज पे, कि आप इस जहाज पे हैं, पनामा फ्लैग है तो पनामा CDC। तो ये चीज़ है। बाकी मेन इंडियन CDC होता है यार भाई लोग, ये पनामा नामा का आजकल खेल अब बहुत कम रह गया है। तो इसलिए किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में, इन चक्करों में, पनामा CDC के चक्करों में ना पड़े आप लोग, और सेफ रहें भाई लोग। और पनामा CDC की रेट मैंने आपको बता दिया 23 हज़ार रुपये है, और मेन इंडियन CDC है यार। और पनामा फ्लैग यही है कि ज़्यादातर शिप रजिस्ट्री जो है, जिस फ्लैग पर रजिस्टर्ड है शिप IMO में, वो ज़्यादातर पनामा है। तो इसीलिए पनामा फ्लैग का ज़्यादा हल्ला है मार्केट में, और लाइब्रेरियन, मार्शल वगैरह दो चार जो और फ्लैग हैं वो कम है। इसलिए पनामा ज़्यादा है, सस्ता है, तो पनामा फ्लैग ज़्यादा है शिपों में। शिप में पनामा फ्लैग ज़्यादा, मतलब पनामा फ्लैग वाले शिप ज़्यादा हैं, पनामा शिप रजिस्ट्री वाले शिप ज़्यादा हैं। तो मोस्ट ऑफ शिप पनामा शिप रजिस्ट्री में ही रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसीलिए पनामा ये CDC का हल्ला है मार्केट में। तो यही था यार इस वीडियो में। और किसी एजेंट के चक्कर में, पनामा CDC के चक्कर में ना पड़े आप। अगर पनामा फ्लैग जहाज पे चढ़ेंगे तो कंपनी आपको पनामा फ्लैग बना के, सॉरी, अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे और उसमें पनामा, उस शिप में पनामा फ्लैग होगा तो कंपनी खुद आपका CDC बना के भेज देगी। तो यही था यार भाई लोग। और प्लीज़ यार भाई लोगों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग। और प्लीज़ यार खुश रहें, सपोर्ट करें भाई लोग। और अगर कोई मैसेज हो और तो बता दीजिए भाई लोग, मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को। मेरे व्हाट्सअप, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरा नंबर है, मेरे व्हाट्सअप फेसबुक पर भी मेरा नंबर है, टाइमलाइन पे वो मेरी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर मेरा नंबर है। तो आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादातर मैं अवेलेबल रहता हूँ नेटवर्क में, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक का थोड़ा थोड़ा मैं रिप्लाई कर दूँ सबका। और प्लीज़ यार भाई लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो और प्लीज़ यार भाई लोग सपोर्ट कीजिएगा भाई लोग, और खुश रहें यार भाई लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत भाई लोग।